बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेल लाइफ। से आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, अमीन सुम्मा अमीन। सुनाए क्या हाल है, ठीक हो? कैसा मौसम है? गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है ना कि मैं कहती हूँ दिल को लू पड़ती है। सोचा चलो आज ये बना लेते हैं और दोपहर को बच्चे पी लेंगे। जो मेरे चैनल पर न्यू है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, बार वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। आए मेरे साथ देखते हैं ये फालसा, ये मैंने ऑन कर दिया है, ये पूरा जाएगा। मैंने ऊपर ना सेट कर दी थी मशीन, मैंने कहा टाइम ज्यादा वेस्ट होता रहता है। ये मैंने सारा एक बार ही डाल लिया, ये आधा किलो है। आधा किलो में एक गिलास पानी जाएगा। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। मैं देखे मैं किस तरह बना रही हूँ, बस ये देखें आप। कहते हैं जाया नहीं करना चाहिए रिज़्क, ये भी मैंने डाल दी दो, ठीक है। ये चीनी, चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बन गए। चीनी अपनी जरूरत के मुताबिक, खट्टा मीठा तो ये होता ही है, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है। हल्का सा पानी और डाल लेते हैं, चलो जी हो गया झटपट हमारा फालसे का जूस तैयार। मैंने इसे शेक की है, शेक करने के बाद अब ये उतारते हैं नीचे, इसको ऐसे डालते हैं। ये देखो हो गया खाली, पूरा ये जाएगा। ये देखो कितना मजेदार, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। मैं इसे गुठलियाँ बीच में ही रहने देती हूँ, अगर आप चाहो तो छान लो, आवाज आ रही है, आप चाहो तो इसे छान भी सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं नहीं छानती। ये अंदर ही अगर गुठली रह जाए ना बारीक, वो मोटे वाली नीचे बैठ जाएगी तो ये ऊपर वाले छिलके पल ऊपर आ जाएगा। ये मैदे के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, तजाबियत को ख़त्म करता है और निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है और कब्ज़ कशा होता है। ये बुटली बीच में मैंने रखी हुई है, पी के बना के देखना। ये देखो अभी मैं भरती हूँ आपके सामने, ये देखो विवन, ये देखो ये गुटली नीचे आ गई। कैसे बनाई, ये देखो सारी गुठली बीच में है, ये देखो ये नीचे बैठ गई, ये देखो ऐसे हो गया। अभी इसमें जाएगा एक और, ये शेक वाला ही जग, ये देखो अभी ये दो, हो गया ये अब झटपट रेडी। अगर चाहो तो आप इसे दोबारा ऐसे कर सकते हो, इसको दिखा दो,
तो पहले इसको दिखाओ प्लीज़। ये देखो ये देखो व्यूअर्स, ये देखो अगर हमने खाली पानी ही पीना है तो ये हमारी सेहत को इतनी गजाइत बख्श नहीं होगा। अगर ये पल जाएगा, ये देखो, इसलिए पल इसको अंदर ही रखना है। गुठली तो निकल गई है, ये देखो मैं अब दोबारा करती हूँ। इसी में डाल के देखते हैं, ये देखो फिर फायदा क्या हुआ जूस पीने का। इसको मैं बीच में ही रखती हूँ, आप अपनी मर्जी के अपनी तबीयत के मुताबिक बना लेना, लेकिन ये इसी से बेहतर है। ये डॉक्टरी नुस्खा है, डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक। दूसरी मैंने ये भर ली, वन ऊपर कर, ऊपर कर, ये लो जी अब आपके सामने कितना मजेदार कलर है। मैंने इसे भर भी दिया पिंक में, ये पिंक बॉटल में भर दिया, जिसका कलर भी पिंक है इसको पिंक बॉटल में भर दिया। ये दो गिलास पड़े हुए हैं, ये अभी है माशाल्लाह। अब बना के पी के तो मुझे बताना, फीडबैक ज़रूर देना ये कैसे बना है। यकीन जाने इतना गजाइत बख्श है ना, आप एक दिन पियोगे जिनके पाँव की हाथ की पाँव की हथेलियाँ जलती हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, शुगर वाले पेशेंट के लिए भी बेहतरीन है। अगर वो शुगर है तो वो चीनी ना डाले। तो ये चटपट विद इन 5 मिनट में ये तैयार हो गया। दुआओं में याद रखना, फी अमानुल्लाह।